एक और बात, आपको पता होगा कि औरंगजेब उस समय बहुत ही अपने आप में ताकतवर शासक था, और हमारा जो एक रियासत है किशनगढ़, और किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। दरअसल में किशनगढ़ के जो राजा थे उनका नाम था रूप सिंह। क्या नाम? रूप सिंह। और रूप सिंह की बेटी थी चारुमती, और चारुमती की सगाई इन्होंने की औरंगजेब के साथ। ये करना चाहते थे, इस बात का पता चारुमती को लग गया कि भाई औरंगजेब के साथ मेरा निकाह किया जा रहा है मेरे पिताश्री के द्वारा। दरअसल में चारुमती एक धर्म प्रेमी महिला थी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, और चारुमती अधार्मिक विवाह नहीं करना चाहती थी। तो अब चारुमती ने चारों ओर देखा कि कौन है ऐसा शासक जो हिंदू धर्म प्रेमी, तो वो भी राज सिंह था। और चारुमती ने दरअसल में राज सिंह के पास में एक पत्र व्यवहार किया कि मेवाड़ महाराणा राज सिंह, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, मेरे पिताश्री मेरी सगाई औरंगजेब के साथ तय करना चाह रहे हैं। आप मेरे से विवाह करते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो मैं सुसाइड करने वाली हूं चारुमती। और जब ये पत्र राज सिंह के पास आया तो महाराणा राज सिंह काफी इस मामले को लेकर काफी परेशान हो गया। तो महाराज सिंह ने कहा कि ठीक है, एक विवाह और सही। तो यानी कि महाराणा राज सिंह ने अगर किशनगढ़ की राजकुमारी को लेकर विवाह की जो एक शर्त, एक विवाह को लेकर एक बात रखी, तो वो केवल धार्मिक मामलों की रक्षा को लेकर रखी। तो हम कह सकते हैं महाराणा राज सिंह अपने आप में एक बहुत महान शासक था।